हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर आज की वीडियो में हम टॉस की इंटरमीडिएट इकोनॉमिक्स के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको क्या पढ़ना है टॉस में हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है इंटरमीडिएट का इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी जो है हम सिविक्स uh, की पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश की वीडियो बना दिए है आज हम इकोनॉमिक की वीडियो बना रहे हैं इंटरमीडिएट टॉस स्टूडेंट्स के लिए तेलंगाना स्टेट ओपन स्कूल सोसाइटी के आप लोग परेशान मत होइए। जो भी इम्पोर्टेंट चाहिए आपको आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए और वो आप जो है पढ़ लीजिए ठीक तो है तो इकोनॉमिक्स uh, का ग्रुप बी है कोड नंबर थ्री एटीन है इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप देख लीजिए द इकोनॉमी है यहाँ पे uh, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है नेशनल इनकम है माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बाद आपको जो है गवर्नमेंट बजटिंग एंड इकोनॉमिकल प्लानिंग है उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शनल मॉड्यूल्स है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड एंड पॉपुलेशन भी है तो यहाँ पे जो है आप सिलेबस देख लिए हैं, अब यहाँ पे आपको मैं मॉडल पेपर बता देता हूँ इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक का मॉडल पेपर पैटर्न कैसा आता है मॉडल पेपर 2018 का है कोड नंबर 318 है सीनियर सेकेंडरी लेवल कोर्स मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हंड्रेड मार्क्स का है तीन घंटे का वक्त है आपको इकोनॉमिक्स पेपर जो है बोर्ड का तीन घंटों के लिए रहेगा दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ पार्ट ए फ्रॉम कोर मॉड्यूल एंड पार्ट बी इज फ्रॉम ऑप्शनल मॉड्यूल पार्ट ए जो है कोर मॉड्यूल कोर सब्जेक्ट का जो है वहाँ से आएगा पार्ट बी ऑप्शनल मॉड्यूल से आएगा अटेम्प्ट ऑल सेक्शन फ्रॉम पार्ट ए एंड एनी वन ग्रुप फ्रॉम पार्ट बी सेक्शन ए से जो है सेक्शन आपको पूरे अटेम्प्ट करना है पार्ट ए के और कोई एक ग्रुप अटेम्प्ट करना है आपको पार्ट बी में और आंसर टू क्वेश्चन कैरिंग वन मार्क्स शुड नॉट एक्सेंड वन और टू लाइन्स एक मार्क के आंसर के लिए आपको जो है दो लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है दो मार्क के टू मार्क्स शुड नॉट नॉर्मली एक्सेंड फाइव लाइन्स दो मार्क्स के आंसर को आपको पांच लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है चार मार्क्स के आंसर को जो है आपको दस लाइन तक ही लिखना है ज्यादा नहीं लिखना है आठ मार्क के आंसर को आपको पंद्रह लाइन्स तक लिखना है ठीक है द सेंटेंस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये जो सेंटेंस लिमिट दिया गया है वो प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पार्ट ए आ गया है सेक्शन वन एटी मार्क्स स्टार्ट है यहाँ पे सेक्शन uh, वन जो है छः मार्क्स का दिया गया है आपको सेक्शन वन में पूरे छः के छः क्वेश्चन लिखना है वॉट आर प्रोड्यूसर गुड्स पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है वॉट आर प्रोड्यूसर गुड्स तो वॉट आर प्रोड्यूसर गुड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये मत पढ़िए वॉट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसको जो है मत पढ़िए वॉट इज द पोजिशन ऑफ डिमांड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है काफी बार पूछा गया है ये पढ़ ले के रख लीजिए वॉट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पढ़ ले के रख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है वॉट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पढ़ लेके रख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वॉट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए वॉट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वॉट आर जीफ एंड गुड्स ये भी पढ़ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए में जो है आपको छः के छ क्वेश्चंस लिखना है वन मार्क में सेक्शन सेकंड जो है टेन मार्क्स का दिया गया है आंसर ऑल द क्वेश्चंस आपको करना है यहाँ पे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मत पढ़िए एक्सप्लेन द नेशनल इनकम पढ़ ले के रख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है वॉट इज इंडेक्स नंबर काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लीजिए वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार पूछा गया है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है टू मार्क्स का क्वेश्चन है आपको पूरे करना है यहाँ पे टेन मार्क्स आपको मिल जाएंगे ठीक है सेक्शन वन बता दिया हूं सिक्स मार्क्स का सेक्शन सेकेंड टेन मार्क्स हो गया आपको नेक्स्ट सेक्शन थर्ड में आपको जो है थर्टी टू मार्क्स मिलेंगे एट फोर जार थर्टी टू चार मार्क्स मिलेंगे आपको आठ uh, टोटल एट ही करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन क्वेश्चंस दिए गए हैं इंटरनल चॉइस है यहाँ पे एनी टेन क्वेश्चंस में से सिर्फ आप एट ही अटेम्प्ट करना है कौन से भी एट लिख सकते हैं आपको थर्टी टू मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप एट के एट आंसर सही करेंगे डिस्किनिश बिटवीन अ क्लोज इकोनॉमी एंड एन ओपन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है पढ़ लिखे जरूर रख लीजिए वॉट इज बार चार्ट एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स uh, का मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ठीक है इकोनॉमिक्स के लिए काफी वो जने पूछ रहे थे वट डू यू मीन बाय एग्जिस्ट सप्लाई एंड डिमांड काफी इंपॉर्टेंट है वन भी पढ़ लीजिए राइट अबाउट डिडक्टिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है काफी बार पूछा गया आंसर से डिस्कंगिश बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ बजट इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल deficits उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट आर द policies रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम बिफोर नाइनटीन नाइनटी वन नहीं है वॉट इज द नीड ऑफ प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लीजिए सेक्शन फोर्थ में आ जाते हैं ये भी जो है चार लिखना है आपको आठ मार्क्स में दिया गया है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन क्वेश्चन दिए गए हैं सेवन में से आपको सिर्फ फोर ही करना है ठीक है चॉइस दी गई है यहाँ पे सेवन में से फोर लिखना है आपको ईच क्वेश्चन कैरी एट मार्क्स थर्टी टू मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप चार लिख देंगे सही तो uh, यहाँ पे जो है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए डिस्ग्रिज बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी बार पूछा गया ये भी पढ़ लीजिए वॉट आर द वॉट वॉज द जस्टिफिकेशन फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म इन नाइनटीन नाइनटी इंपॉर्टेंट नहीं है सॉरी डिस्कस द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कंग्स बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लीजिए स्टेट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइव ईयर प्लान इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है काफी बार पूछा गया है देखिए दो बार रिपीट हुआ है माइक्रो एंड मैक्रो ब्रीफली स्टेट द फैक्टर दैट कॉज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 ये भी कभी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है क्राइसिस नेक्स्ट पार्ट बी में जो है अटेम्प्ट अदर ग्रुप ए और ग्रुप बी ग्रुप ए और ग्रुप बी में से दोनों में से आप कोई एक ग्रुप अटेम्प्ट कर सकते हैं बीस मार्क का दिया गया है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टूएल्व ठीक है ग्रुप ए तो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं आप या ग्रुप बी तो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं टोटल जो है ग्रुप ए के भी ट्वेंटी मार्क्स है ग्रुप बी के भी ट्वेंटी मार्क्स है जो भी क्वेश्चन आपको ईजी दिखते हैं वो आपको इसमें से करना है कौन सा भी एक ग्रुप के दो ग्रुप नहीं करना है आपको सिर्फ एक ही ग्रुप करना है एक ग्रुप के ट्वेंटी मार्क्स आपको मिल जाएंगे देखिए वन मार्क वन मार्क टू मार्क्स थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस आखिरी का फोटर्टी फोर वाला एट मार्क्स ठीक है ट्वेंटी मार्क्स हो गए यहां पे तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेंगे ये आप पढ़ना है नहीं है व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ लिख रख लीजिए नेक्स्ट वन देखिए हाउ एग्रीकल्चर हेल्प्स इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है उतना सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स होल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन सम ऑफ द एम्स ऑफ लाइसेंस सिस्टम इन इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ लेके रख लीजिए नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज पढ़ लेके रख लीजिए थर्टी फोर्थ वन थर्टी फोर्थ फाइव थर्टी फिफ्थ वन देखिए एक्सप्लेन द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है थर्टी फोर्थ वाला भी पढ़ लीजिए एट मार्क्स में दिया गया आखिरी तो आखिरी में जो क्वेश्चन है वो एट मार्क का दिया गया है बाकी के जो है टू टू, -टू वन वन मार्क के तो ये ध्यान रख लीजिए ये दो ग्रुप में से एक अटेम्प्ट करना है आप ग्रुप बी के देख लेंगे वॉट इज मीन बाई सेंशियस ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट इज मीन बाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिपेंडेंसी रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉर ट्रेड थ्रेड थर्टी नाइन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है वॉट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हाई पॉपुलेशन फोर्टी वाला भी इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए फोर्टी वन वाला पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हैज हेल्प इंडिया टू एक्सपेंड इन ट्रेड विध लेस स्ट्रेस ऑन ऑन स्ट्रेन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट शो हाउ इट वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है गिव ऑफ ऑफ हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है एट मार्क्स में दिया गया है लास्ट वन तो ये भी आप जरूर पढ़ लेके रख लीजिए ठीक है तो ये आपको जो है इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट आपको बता दिया हूँ मैं यहाँ पे कुछ इसके आंसर्स भी आप यहाँ पे देख लीजिए अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप मेरी वीडियो से भी पिक ले सकते हैं या नहीं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं मैं यहां पे आपको जो है पूरे आंसर्स बता दूंगा आप नोट डाउन कर लीजिए देखिए पूरे आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए वॉट आर जिफ एंड गुड्स सेक्शन वन कंप्लीट हो चुका है सेक्शन सेकंड का भी देख लीजिए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल नेक्स्ट यहां पे आप देख लीजिए एक्सप्लेन द नेशनल इनकम नेक्स्ट हम देख लेंगे टेंथ वाला भी देख लीजिए सॉरी <coughs> नेक्स्ट है वाला भी देख लीजिए एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई सेक्शन थर्ड वन ट्वेल्थ वन भी नोट डाउन कर सकते हैं आप या पिक्चर भी ले सकते हैं और तीस बार चार्ट ये भी देख लीजिए यहाँ पे देखिए बार चार्ट भी उतारा गया है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं हमारे वीडियो से वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए उनको भी हेल्प मिल जाएगी फोर्टीन वन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं फोर्टींथ का डायग्राम भी आप सप्लाई एंड डिमांड का यूज देख सकते हैं। राइट अबाउट द डिडक्टिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी <coughs> नेक्स्ट हम बता देते आपको सेम कंटिन्यू है सिक्सटींथ वन डिस्गनिश बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज नेक्स्ट कंटिन्यू है वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट नेक्स्ट देख लीजिए अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप यहां से पढ़ ले सकते हैं आप वीडियो से पिक्चर भी ले सकते हैं या लिख ले भी सकते हैं ये भी कंटिन्यू आंसर है एटींथ वाला एक्सप्लेन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नेक्स्ट हम देख लेंगे एटींथ वाला कंटिन्यू है एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल डिफेक्ट ये भी कंटिन्यू है ट्वेंटी फर्स्ट वन वॉट इज द नीड ऑफ प्लानिंग भी कंटिन्यू आप देख लीजिए नेक्स्ट ट्वेंटी टू सेक्शन फोर्थ में आगे है देखिए सेक्शन फोर्थ का भी नोट डाउन कर लीजिए डिस्गिनीश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट ट्वेंटी फोर्थ वन ट वॉज द जस्टिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म नाइनटीन नाइनटी वन डिस्कस द फिक्स एंडबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिया हूं मैं पहले ही इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए फिर यहां से आप नोट नोट्स पढ़ ले सकते स्टडी मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट कंटिन्यू है ट्वेंटी सिक्स वाला क्वेश्चन भी आप उसका आंसर भी ले, देख ले सकते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी सेवेंथ में देख लीजिए कंटिन्यू क्वेश्चन है ट्वेंटी एट क्वेश्चन भी देख लीजिए ब्रीफली स्टेट द फैक्टर्स दैट कॉज द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ग्रुप ए के क्वेश्चन भी देख लीजिए ट्वेंटी नाइन्थ वन ट्वेंटी थर्टी वाला थर्टी वाला कंटिन्यू है थर्टी फर्स्ट वाला भी देख लीजिए थर्टी टू वाला भी देख लीजिए आंसर्स नेक्स्ट कंटिन्यू देख लीजिए थर्टी थ्री वाला एक्सप्लेन द नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन थर्टी फोर्थ वन वॉट डू यू मीन बाई कॉटेज इंडस्ट्रीज थर्टी फिफ्थ वाल अभी नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट ग्रुप बी देख लीजिए थर्टीट मेड बाई ऑफ पॉपुलेशन थर्टी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिपेंडेंसी रेशियो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वन हंड्रेड वट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइव पॉपुलेशन नेक्स्ट फोर्टी वन भी देख लीजिए कंटिन्यू देख लीजिए फोर्टी का पहले ऊपर फिर उसके बाद फोर्टी वन का आंसर देख लीजिए पूरा फोर्टी टू वन गिव प्रॉब्लम्स ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यू है पूरा फोर्टी वन फोर्टी वन का ये आंसर है ये पूरा कंटिन्यू नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीटेड है ठीक है तो यहाँ पे फोर्टी टू वाला आंसर यहाँ पे कंप्लीटेड नेक्स्ट मॉडल पेपर देख लेते हैं इकोनॉमिक्स uh, का ही मॉडल पेपर है 2017 का मॉडल पेपर है 100 मार्क्स का uh, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं व्हाट इज कंज्यूमर गुड इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लीजिए व्हाट इज बेसिक व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये भी पढ़ लीजिए व्हाट इज बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लीजिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे पढ़ लीजिए वन मार्क के सेक्शन वन के नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन सेकेंड के देखिए व्हाट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लीजिए डिफाइन नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेशियो इंपॉर्टेंट है व्हाट इज इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज फुल इंप्लॉयमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन थर्ड देख लेंगे डिस्कनिश बिटवीन अ क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए एक्सप्लेन द स्कोप मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए एक्सप्लेन सम यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कनिश बिटवीन इंडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए एक्सप्लेन अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी पढ़ लीजिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफी बार पूछा गया ये भी पढ़ लीजिए वॉट डू यू मीन बाई इंटरनल इकोनॉमिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं. नहीं है वॉट आर द डिटर्मिनेट्स ऑफ रियल वेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट इज द नीड ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ लीजिए सेक्शन फोर्थ में आ जाते हैं एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया ईयर प्लान्स ये भी आप पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट है स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन ब्रीफली द रैल एंड मनी फ्लोस इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट डू यू मीन बाई प्राइज एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन द टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए वॉट आर द ऑब्जेक्टिवस ऑफ बजेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं है वट आर दीरियस मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट बाई सेंट्रल बैंक इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट ब्रीफली स्टेट द फैक्टर्स द इकोम इंपॉर्टेंट है पार्ट बी में ग्रुप ए में आ जाते हैं वॉट इज द वॉट इज सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट डू यू मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज पढ़ लीजिए वट डू यू मीन बाई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए वॉट डू यू मीन बाई पवर बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडियन इकनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट मार्क्स में दिया गया है, है. है. है पढ़ लीजिए ग्रुप बी में आ जाते हैं ग्रुप बी में व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए डॉ डॉ डॉफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट डू यू मीन बाई सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट आर द इफेक्ट ऑफ पॉपुलशन ग्रोथ रेट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द वेरियस मेजर्स टू सॉल्व द पॉपुलशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह पढ़ लेके रख लीजिए ठीक है तो यहां पर पे मॉडल पेपर आपको दो मॉडल पेपर के आंसर बता दिया हूं ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो मॉडल पेपर के बता दिया हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर देख लेंगे अगर मॉडल पेपर आ गया है तो, तो 2016 का मॉडल पेपर है यहाँ पे यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वॉट डू यू मीन बाई टर्म इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट डू वॉट डू यू मीन बाई कंज्यूमर गुड्स इंपॉर्टेंट है वॉट इज़ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट इज़ गिफिफ इन गुड्स इंपॉर्टेंट है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए नेक्स्ट सेक्शन बी में आ जाते हैं व्हाट इज प्राइमरी डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट इज मीन बाय पाई डाजन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन नेशनल इनकम ये भी पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए एक्सप्लेन द प्रोडक्शन फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए वॉट इज बार चार्ट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है िटवीन इंडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए एक्सप्लेन द प्रॉपर्ट ऑफ इन डिफरेंट कर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फाइव ईयर प्लान फाइव ईयर प्लान पूछ सकता है इंपॉर्टेंट है वॉट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल डिफिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डिफिक्ट एंड बजट डिफिक्ट बहुत बार पूछा गया है ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसमें से कौन सा भी आ सकता है वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकनॉमी इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट नहीं है फाइन आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट पोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन फोर्थ में आ जाते हैं एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए ट्वेंटी थर्ड वन फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा कभी तो भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट डू यू मीन बाई प्रायस्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड काफी इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी फिफ्थ वन पढ़ लीजिए वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं है ट्वेंटी सेवंथ वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द मेन चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ नाइनटीन नाइन वन इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट पार्ट बी में आ जाते हैं ग्रुप ए में वॉट डू यू मीन बाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए वॉट इज मीन बाई पब्लिक सेक्टर पढ़ लीजिए वॉट आर द सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रीज क्रेडिट इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ लैंड होल्डिंग नहीं एक्सप्लेन द दब बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये भी एक बार पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन रिपीटेड हुआ है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है एट मार्क्स में आप पूछ सकता है देखिए ग्रुप बी में आ जाते हैं वॉट डू वट डू यू मीन बाई सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है वॉट इज मीन बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंपॉर्टेंट है नैबार्ड काफी इंपॉर्टेंट है वॉट डू यू मीन बाई प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है डेंसिटी इंपॉर्टेंट है वॉट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हाई पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं इकोनॉमिक्स के आपको जो है सिलेबस भी बता दिया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया हूँ कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन है आपको तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कामरान द एजुकेटर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए बेलाइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जय हिंद